आज का टॉपिक है आपका कोडोमिनेंस, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, तो हम लोगों ने आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था और ये है आपका कोडोमिनेंस, ठीक है। तो कोडोमिनेंस में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कोडोमिनेंस होता क्या है, ठीक है। तो कोडोमिनेंस में आपकी जो P1 जनरेशन होती है, यानी कि पेरेंटल जनरेशन होती है, इनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो क्रॉस कराने के बाद जो आपकी F1 जनरेशन होती है, ठीक है, जो भी हमें F1 जनरेशन मिलती है उसमें आपके दोनों के ही करेक्टर, जो P1 जनरेशन में जो आपके गैमेट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, उनमें से दोनों ही पेरेंट्स के आपके करेक्टर आपको के रिप्रेजेंट होते हैं F1 जनरेशन में, ठीक है। तो दोनों के करेक्टर जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस, ठीक है। तो अब ये जो कोडोमिनेंस है, ठीक है, तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताएंगे, ठीक। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक आपका आपकी जो फादर हैं, ठीक है, जिनका ब्लड ग्रुप हम लोग ले लेते हैं A, ठीक है, और मदर का ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। अब हम इनके बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी क्रॉस कराने से पहले हम इनके एंटीजन्स नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, एंटीजन्स। तो आपका जो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो आपका जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके एंटीजन्स होते हैं IA, IA, ठीक है। एंड जो बी होता है तो बी के आपके एंटीजन्स क्या होते हैं, IB, IBA है, ठीक है। तो दोनों को नोट डाउन कर लेंगे पहले हम, ठीक है। तो ए है, इसको हम इसके एंटीजन को हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बी ब्लड ग्रुप के हैं, इसका रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, IB, IB, ठीक है। तो IA, IA हो गया और IB, IB हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में हम क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशंस कराएंगे, ठीक है। तो इनके बीच जब हम हाइब्रिडाइजेशंस कराएंगे तो देखिए, फर्स्ट IA, IB, ओके, फिर देखिए सेकंड से IA, IB, फिर आपका IA, IB, नेक्स्ट लास्ट आपका IA, IB, ठीक है। तो ये आपको जो आपको F1 जनरेशन्स मिली है, ठीक है, ये आपकी P1 जनरेशन्स ही और ये आपकी F1 जनरेशन्स है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, ये जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पे A और B, ठीक है, तो यानी कि IA भी आया और IB भी आया, ठीक है। तो ये जो संतानें हुई इनकी, ऑफस्प्रिंग्स हुई, इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB, क्या होगा, AB, इसका भी ब्लड ग्रुप AB, इसका भी ब्लड ग्रुप AB एंड इसका भी ब्लड ग्रुप आपका AB निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये आपकी आपकी F1 जनरेशन से, मैं आप इसको मेंशन कर देते हैं, F1 जनरेशन, ये आपकी P1 जनरेशन का ब्लड ग्रुप है, P1 जनरेशन्स, ठीक। तो आपको समझ में आया, यानी कि आपकी जितनी भी आपको F1 जनरेशन मिली है, तो F1 जनरेशन में जितनी भी संतानें थी, ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप क्या आया, AB, क्या आया, AB, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, इसमें आपका समझ में आया होगा, जब हम किसी दो विपरीत लक्षण वाले, ठीक है, जब हम किसी दो विपरीत लक्षण वाले के बीच वाले जनकों के बीच में या पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने पे जो हमें F1 जनरेशन्स मिलती है, ठीक है, क्रॉस कराने पे जो भी हमें F1 जनरेशन्स मिलती है उसमें क्या होता है, अगर किसी एक के क्या होता है, उसमें दोनों के ही लक्षण रिप्रेजेंट होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिल करके दोनों के लक्षण अगर रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसको कोडोमिनेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, ब्लड ग्रुप हमने क्या किया, एक जैसे कि फादर हैं किसी एक, या ब्लड ग्रुप ए वाले लड़के से इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके, कि किसी लड़के का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी शादी किसी ब्लड ग्रुप बी वाली लड़की से करा देते हैं, ठीक है। तो इनकी होने वाली संतानों में कौन, उनकी होने वाली जो संतानें हैं उनमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका ऐसे, तो पहले पे हम लोग मेंशन कर लेंगे, लड़के का ब्लड ग्रुप ए और लड़की का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। तो दोनों का ब्लड ग्रुप हमने क्या कर लिया, मेंशन कर लिया।
अब इनके हम क्या निकालेंगे, एंटीजन्स निकालेंगे. क्या निकालेंगे, एंटीजन्स निकालेंगे. ठीक है, तो एंटीजन्स निकालेंगे तो ये आई ए आई ए है और ये आई बी है. ठीक है, वो द सेम. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमने क्रॉस कराया है, ठीक है, क्रॉस जो भी कराया है एक से कराया है, मतलब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, ये जो क्रॉस आपको दिखा है ये आई ए और आई बी के बीच कराया है. ठीक है, ओके, उनके बीच में कराया है हमने. ठीक, तो देखिए ये सिर्फ हम, क्योंकि बोथ आर सेम, आई ए एफ दोनों सेम है, इसको आप चेकर बोर्ड के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको इसके थ्रू निकाला है, जो नेक्स्ट होगा उसको हम चेकर बोर्ड के थ्रू आपको निकाल के दिखाएंगे. ठीक है, तो इसका आई ए आई ए था, इसका ब्लड ग्रुप का आपका आई बी है, पी वन जनरेशन. ओके, अब देखिए हमने इसके बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया. हाइब्रिडाइजेशन कराने पे देखिए हमें क्या मिला, आई ए, अगर हमने यहाँ पे सपोज आई ए और आई बी के बीच कराया है, ठीक है, तो क्या मिला दोनों के बीच, आई ए आई बी, आई ए आई बी, मतलब जितने भी फोर गैमेट्स आएंगे, जितने भी, ठीक है, तो वो क्या, उन जितने भी फोर गैमेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे आपके एफ जनरेशन में, ए बी करके आएंगे. क्या करके आएंगे, ए बी. ठीक है, तो ये ए और बी, यानी कि ये आई ए किसका एंटीजेंस है, ए का, और आई बी किसका एंटीजेंस है, बी का. ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ए बी. ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आई आपको ये बात. ठीक है, तो यही आपका क्या था, को डोमिनेंस. क्या है ये, को डोमिनेंस. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ऐसे नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी का एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हम लोग चेकर बोर्ड की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे. को डोमिनेंस याद रखिएगा स्टूडेंट्स, को डोमिनेंस क्या होता है, जिसमें दोनों के ही कैरेक्टर, दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले पेरेंट्स के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, तो एफ वन जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन में हमें दोनों के ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं. ठीक है, ओके, तो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ. ठीक है, जब हम किसी, फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, जब हम किसी ब्लड ग्रुप ए बी वाली लड़की की शादी किसी ओ ब्लड ग्रुप वाले लड़के से कराते हैं, तो उनकी संतानों में कौन से ब्लड ग्रुप होने की, कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हुआ आपका. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप लिखेंगे. तो आपको पता है जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, और जो आपकी क्या बोलते हैं आपका मेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है. ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया और इनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया फीमेल का, ए बी हो गया. ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके एंटीजन्स नोट डाउन करेंगे. ठीक है, तो ओ का एंटीजन्स जो होते कोई नहीं होता, तो इनका क्या हो जाएगा, आई ओ, आई ओ हो जाएगा. ठीक है, और जो हमारा ये ए बी है तो इनका क्या हो जाएगा, आई ए आई बी. ठीक है, ये हो गए. अब इससे जो हम सॉल्व करेंगे, इसे हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, इसे हम चेकर बोर्ड की हेल्प से सॉल्व करेंगे. किसकी हेल्प से, चेकर बोर्ड्स की हेल्प से. ठीक है, तो देखिए चेकर बोर्ड, ये आपका चेकर बोर्ड है. ठीक है, ओके, चेकर बोर्ड है, इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो गैमेट्स हैं तो हम दो हॉरिजॉन्टिकल और दो आपकी वर्टिकल लाइन खींचेंगे. जैसे कि हमने वहाँ पे फोर गैमेट्स थे आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट, इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा. ठीक है, तो उसमें फोर गैमेट्स थे तो हमने फोर हॉरिजॉन्टिकल एंड फोर वर्टिकल लाइन खींची थी. ठीक है, ठीक वैसे यहाँ पे आपके टू हैं तो यहाँ पे हम कैसे क्या करेंगे. ठीक है, अब ये हो गया. अब देखिए यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं आपका आई ओ, आई ओ. ठीक, ये वाला आई ए भाई, मेरे पास फोर है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, मेल फीमेल के हमने यहाँ पे कर लिए और मेल के हमने यहाँ कर लिया. अब हम इनके बीच क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे. ठीक है, क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे. ठीक, दो गैमेट्स निकाले मेल एंड फीमेल के. ठीक है, तो अब देखिए आपका क्या आएगा, अब आपका आएगा आई ए आई ओ. ठीक, आई बी आई ओ. ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपका यहाँ पे आएगा आई ओ
आई ए, यहाँ पे आपका आएगा आई ओ आई बी, सॉरी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे कराया है, ठीक है, आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके हमने मेल की, तो फीमेल का जो ब्लड ग्रुप था उसके जो एंटीजन्स थे हमने उसको यहाँ नोट डाउन करे, और जो मेल के एंटीजन्स थे उसको हमने यहाँ नोट डाउन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बकायदा कि यहाँ पे आप लिखोगे एंटीजन्स ऑफ फादर ब्लड ग्रुप एंड एंटीजन्स ऑफ मदर ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, या मेल फीमेल, ठीक, ओके। तो ये कराया आपने, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, फिनोटाइप्स निकालेंगे, तभी तो हमें पहचान मिलेगी किसका ब्लड ग्रुप क्या आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आई ए आई ओ निकला है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे आपका आई ए आई ओ निकला है, ठीक, यहाँ पे आपका देखिए ये वाला, सॉरी एक मिनट, आई ए आई ओ निकला है ये, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया, कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए हो गया, ठीक है। ये आपका आई बी ओ है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ये बी ब्लड ग्रुप हो गया, कौन सा, बी हो गया, ठीक है। ये जो ब्लड ग्रुप है आपका, ठीक है, तो चाहे इस जैसे भी मेंशन करें बहुत आज सेम, आइए पहले नोट डाउन करें चाहे ये पहले नोट डाउन करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी ब्लड ग्रुप कैसा है आपका, ए है, ये ब्लड ग्रुप कैसा है आपका, बी है, ठीक निकला। तो यहाँ पे आप देखिए 50% कितने, 50% जो आपकी संतानें हैं जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, तो 50% जिन मतलब उन बच्चों में 50% जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, ब्लड ग्रुप ए वाले होंगे, ए ब्लड ग्रुप के होंगे, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप के होंगे, और 50% चांसेस होंगे किसके, बी ब्लड ग्रुप के, बी ब्लड ग्रुप के, ओके, नाउ क्लियर। देखिए क्लियर हो गया, ये जो आपका आई ए आई ओ करके है, ठीक है, और ये आपका आई बी आई ओ है, और ये आई ओ बी है, और ये आई ओ ए है। तो आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक, इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी डाउट्स हैं कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ओके।